हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का GSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट, सीपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ASI लिपकी संबर, साथ ही साथ UP SSSC के जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए यहाँ पे हम कंप्यूटर की जो है स्पेशल क्लास कर रहे थे, उसी क्रम में 28 नंबर क्लास है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो अपना एक सब्सक्राइब हमें ज़रूर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमने जो है कल डाटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 54 यानी कि 54 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए थे। आज इससे आगे हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं UPI पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए स्पेशल और अत्यंत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के जो है एग्जाम में 80 क्वेश्चन लगभग जो हैं कंप्यूटर से आएंगे, जो आपके कंप्यूटर एग्जाम में मेरिट बनाने में काफ़ी अहम होंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सा केंद्रों हब का तत्काल उत्तराधिकारी है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन जो है स्विच डी, ठीक है। ये क्वेश्चन UPBCL स्टेनोग्राफर एग्जाम 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, OSI का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है इसका फुल नेम है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस है। तो ऑप्शन जो है ये सभी यानी कि राउटर, हब, स्विच, ये सभी जो है कनेक्टिंग डिवाइस हैं। राउटर, हब, स्विच, गेटवे और रिपीटर्स सभी कनेक्टिंग डिवाइस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क लेयर पर संचालित उपकरण को कहते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है बी, राउटर बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल की निम्न परत में कौन सा जो है डाटा संपीड़न करता है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, प्रदर्शन। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है, UPBCL RO के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए कि निम्न कथन सही है या गलत। तो इसमें से जो है हमें ऑप्शन बी सही है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है सही है और ऑप्शन सेकंड जो है ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने में राउटर मुख्य भूमिका निभाता है, सही कथन है। रिपीटर्स डाटा सिग्नल को बढ़ाते हैं और लंबी चेंज को संचार के दौरान उन्हें कमज़ोर होने से रोकते हैं, इस प्रकार दोनों ही कथन जो है सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस OSI लेयर के इस्तेमाल से डाटा का अनुवाद यानी कि एनक्रिप्शंस और कॉम्प्रेशंस किया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रेजेंटेशन लेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से PPP की कौन सी लेयर लिंक स्थापना के लिए उत्तरदायी है। सही आंसर इसका जो हो जाएगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर था, ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन ए क्या था इसमें। तो निम्नलिखित में से PPP की कौन सी लेयर लिंक स्थापना के लिए उत्तरदायी है, तो LCP। नेक्स्ट है, OSI नेटवर्क यानी कि आर्किटेक्चर्स में राउटिंग का कार्य निम्न में से कौन करता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, OSI नेटवर्किंग मॉडल में कितनी परतें होती हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, 7 परतें होती हैं इसमें। नेक्स्ट है, टीसीपी में डाटा भेजने और प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, वाइट स्ट्रीम। अनुप्रयोग परत OSI मॉडल की परत होती है। सही आंसर ऑप्शन डी, 7, अपर लेयर एंड लोअर लेयर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी OSI लेयर एक छोर से दूसरे छोर तक की त्रुटि खोज एवं सुधार प्रदान करती है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI स्तर लेयर जो कि टोकन प्रबंधन को नियंत्रित हैंडल करती है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन बी, समय स्तर, सेशन लेयर इसका जो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, डाटा लिंक लेयर। OSI का कौन सा लेयर डाटा स्ट्रीट के सेगमेंटेशन को जो निष्पादित करता है।
इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन जो है डी, ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट लेयर। टीसीपी कनेक्शन में संचार होता है ऑप्शन बी, फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट है, ओएसआई मॉडल की डाटा लिंक लेयर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, मैक एड्रेस से संबंधित है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम आईएसपी क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ओएसआई परत पैकेट राउटिंग के लिए होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, नेटवर्क परत जो है ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, इंटरनेट सर्वर आईएसपी का जो है फुल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IEEE 802.11 मानक किस वर्ष में जो है प्रकाशित किया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1997 में। ऑप्शन ए सही आंसर है। डाटा प्रेषण यानी कि ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त होती इकाई यूनिट है? ऑप्शन सी, बिट प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सर्टिफिकेट के परिप्रेक्ष्य में SSL का क्या अर्थ है? सही आंसर इसका, सिक्योर सॉकेट लेयर। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ पे 79, सर्वर नेटवर्क में सभी उपयोगकर्ताओं के लिए फाइलें स्टोर करके रखता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, फाइल। नेक्स्ट है, उस डाटा की मात्रा को परिभाषित करता है जिसे एक निश्चित समय में संचार माध्यम में स्थानांतरित किया जा सकता है? सही आंसर इसका ऑप्शन जो है बी, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ एक वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क संचार लिंक की क्षमता है जो किसी दिए गए समय में कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु में अधिकतम डाटा स्थानांतरित करने के लिए आमतौर पर 1 सेकेंड क्षमता के साथ बैंडविड्थ डाटा ट्रांसफर का दर का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन जो है बी, कनेक्शन, कंजेशन। नेक्स्ट है, सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो के डैश से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, नेटवर्क। एक कंप्यूटर प्रणाली में डाटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को डैश के रूप में जाना जाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन है डायनामिक डाटा एक्सचेंज के रूप में। नेक्स्ट, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, टोकन कहलाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है ए, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। CSMA CMA RTS का अर्थ क्या अर्थ होता है? RTS का जो अर्थ होता है वो, उसकी 1 मिनट चेक कर लेते हैं। सही आंसर ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इसका, रिक्वेस्ट टू सेंड, यानी कि रिक्वेस्ट टू सेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, भेजने के लिए निवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, मल्टी कास्टिंग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, यूडीपी से क्या है तात्पर्य है? ऑप्शन सी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, नए कंप्यूटर के लिए कनेक्टिविटी का क्या अर्थ होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी,
दूसरे कंप्यूटरों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मॉडेम या नेटवर्क कनेक्शन का होना, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के संदर्भ में SNMP का तात्पर्य है, सही आंसर इसका ऑप्शन ए, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है। कुछ या सभी कंप्यूटर और उपकरण का राउटर से और बदले में एक दूसरे से और इंटरनेट से संयोजित कनेक्ट करने के लिए बेतार वायरलेस तकनीकी सामान्यतः वाईफाई का प्रयोग करता है, ऑप्शन ए WLAN, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसका FDDI का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन जो है ए फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस इसका जो फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स ऐसे उपकरण हैं जो, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो ए कंज्यूमर टर्मिनेट्स द डाटा। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निर्बाध संचरण माध्यम है, सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है डी माइक्रोवेव। नेक्स्ट है, लैन प्रयुक्त होता है, तो लैन जो ऑप्शन सी स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है, ऑप्शन सी सुरक्षा खतरे जो है ये कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य महत्व का नेटवर्क है, ऑप्शन जो है बी लोकल एरिया नेटवर्क जिसको लैन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चैप्टर जो है नेक्स्ट स्टार्ट हो चुका है आपका नेटवर्क के प्रकार से, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट है इस पर, एक कंपनी की कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान पर उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से किसी नेटवर्क का वर्गीकरण होता है, सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है बी लोकल एरिया नेटवर्क से, लैन से। लैन का पूर्ण रूप क्या है, लैन का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन जो है यही सही विकल्प है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन का पूरा नाम अभी मैंने बताया लोकल एरिया नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, गीगाबिट इथरनेट के लिए IEEE मानक क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा IEEE 803.3Z। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है, ऑप्शन सी कैंपस एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर के संदर्भ में लैंड का तो लोकल एरिया नेटवर्क अभी मैंने बताया था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कंप्यूटर की क्लास जो अभी कंप्लीट किए, नेक्स्ट क्लास में जल्द मिलते हैं, थैंक यू।